हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी। ये चटनी इडली और डोसा के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो आप जरूर इसे घर पे बनाइए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैंने 200 ग्राम मूंगफली लिया, ऐसे छोटे छोटे दाना का। ये छोटे दाना का मूंगफली बहुत ही टेस्ट होता है। आप बड़ा दाना भी ले सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। इसे हम स्लो टू मीडियम फ्लेम में इसे हमें भूनना है। ये देखिए फ्राई हो गया। देखिए लाल लाल से कलर हो गया और अच्छे खुशबू आने लगा, तो आप समझेंगे फ्राई हो गया। इसे हमें प्लेट में निकाल लेते हैं। हम प्लेट में निकाल लिया, इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ऊपर का सिल्का हम निकाल लेंगे। जाल ले लिया मैंने। देखिए मूंगफली का दाना को दो हाथ में मसल मसल के इसको छिलका निकाल दिया। और देखिए तीन कली लहसुन और छोटे छोटे टुकड़े अदरक, और लिया इसमें हरी मिर्ची, और डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। मिर्ची तो आपका हिसाब से डालना है, क्योंकि कोई कोई बहुत ज्यादा तीखा पसंद करता है, तो अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। अब मैंने एक कप पानी देंगे, दो कप पानी देंगे, पानी डाल के और एक बार ग्राइंड कर लेंगे। ये क्वांटिटी आप ठीक पसंद करता है तो ठीक रखना, और अगर थोड़ा लिक्विड ज्यादा पसंद करता है तो उसी हिसाब से पानी डालिए। ये देखिए चटनी बन के रेडी है। इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। कंसिस्टेंसी हमने ऐसे रखा। मैं पैन को गर्म करने के लिए रख दिया। पैन गर्म हो गया, हम अभी एक टीस्पून तेल डाल दिया। अब इसे तुल के सूखा लाल मिर्च डाल दिया। इसे हम आप दिया एक टीस्पून दाल, एक चौकस में लगे दे देंगे हरी पत्ता। देखिए हमारा छोक थोड़ा सा इसको मिला देते हैं।